हेलो फ्रेंड्स, मैं मोना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिले। तो आप इसकी वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। और आप लोग प्लीज़ नए यूट्यूबर को सपोर्ट करें। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, जितने भी नए यूट्यूबर हैं आप सभी को सपोर्ट करें। बड़े यूट्यूबर को तो सभी देखते हैं, पर हम छोटे यूट्यूबर को बहुत कम ही सपोर्ट मिलता है। हम लोगों को ग्रो करते करते 3-4 साल टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सपोर्ट किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपना ब्लॉग आज रात से शुरू कर रही हूँ। शाम को हम लोगों का चाय पानी हो गया था और दूध भी मैं लेकर आ गई थी, तो अभी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैं दही जमा कर रखी थी, तो दही फ्रिज में रखने ही वाली थी। तो हम लोगों का फ्रिज तो वैसे भी बहुत छोटा है, आप लोग देख ही सकते हैं, स्लैब के ऊपर में रखा हुआ। तो हम लोगों का फ्रिज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और मैं इनको बोलती हूँ न्यू फ्रिज लेने के लिए, नए फ्रिज, तो बोलते हैं कि ये फ्रिज को क्या करेंगे। तो यही जब तक चलता है तब तक चला, उसके बाद तो फिर आएगा ही, तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये फ्रिज में जगह फिर बाद में बनाऊंगी, तब फिर उसमें दही रख दूंगी अंदर ठंडा होने के लिए। और रात में तो ऐसे भी दही कोई नहीं खाता है, हम दोनों तो नहीं खाते हैं। अब बेटा अभी अपने बुआ के घर गया हुआ है, और ये शाम का थोड़ा सा बर्तन जमा हो गया था नाश्ता पानी का, तो बस इसे ही अभी धो के हटा दे रही हूँ। कि सिंक गंदा हो रखा था, तो सिंक अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस वही बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद ही जो मेरा डेली का ड्यूटी होता है, बस वही ड्यूटी मैं पूरा करूँगी। आटा सानना, दूध बॉयल करना, फिर सब्ज़ी बनाना। तो आप लोग बने रहिए। इधर मेरा बर्तन साफ़ हो चुका था, तो अब इधर मैं बर्तन को भी जगह में संग रख दे रही हूँ, क्योंकि किचन वैसे भी छोटा है। कभी वॉशिंग मशीन पर बर्तन जमा करती हूँ, तो कभी जहाँ चम्मच रखती हूँ वहाँ पे जमा कर देती हूँ, तो जगह जाम हो जाता है। तो जगह थोड़ा स्लैब खाली खाली रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस वही मैं जगह पर बर्तन रख दे रही हूँ। ये मेरे खिड़की से, किचन का खिड़की से रोड दिखता है, और जो जहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है वो एक बेकरी का दुकान है। हम लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, बस वहीं से ब्रेड व्रेड सब कुछ आ जाता है, और उसी के थोड़ा आगे जाके मार्केट आ जाता है, मतलब फिश मार्केट सब्जी वब्जी सब कुछ वहीं से मिल जाता है। तो मैं वही जगह का सामान जगह पर अरेंज करके रख दे रही हूँ, ताकि जगह मेरा खाली हो जाए। और इधर मेरा वॉशिंग मशीन के ऊपर मैं मनी प्लांट पानी में चुभो कर रख दी हूँ। किचन में मुझे हरा हरा प्लांट सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वैसे ही उसे वॉशिंग मशीन पर सजा के रख दी हूँ। एक स्लैब पर भी एक बोतल में, कांच का बोतल में रख दी हूँ, तो अच्छा लगता है। अभी मैं स्लैब को माँज ले रही हूँ, क्योंकि अभी कपड़ा चेंज करके पूजा का बर्तन भी धोना है मुझे, तो उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। इधर मेरा दूध गर्म हो चुका है, गैस चूल्हा साफ़ करके मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, तो मेरा दूध भी अभी बॉयल हो जाएगा। और उसके बाद ही मैं जब इधर काम शेष हो जाएगा, तब फिर मैं आगे का अपना जैसे नाइट का रूटीन फॉलो करना होता है, तो बस मैं वही फॉलो करूँगी। फिर मैं रूम में आ गई, अभी बहुत सारा टाइम था तो मैं रूम में आ गई। रूम भी गड़बड़ हो रखा था, तो रूम को भी सही कर दे रही हूँ, और वो भी क्या बोलते हैं 4G के स्पीड से मैं कर रही हूँ। ये 5 मिनट देखने में लगता है कि 5 मिनट में ही सारा काम टोटल हो जाता है, लेकिन नहीं, इसे करने में कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाता है। 5 सेकेंड देखने में, लेकिन 5 मिनट से 5.5 मिनट इसको करने में लग जाता है। तो बस मैं यही सब अरेंज कर रही हूँ, रूम को पूरा साफ़ सुथरा कर दे रही। इधर टीवी भी लगा दे रही हूँ, टीवी में भी कुछ कुछ देखने से अच्छा लगता है, तो टीवी में वीडियो चल रहा है, कुछ कुछ वीडियो चलते रहता है। फिर मैं इधर बिस्तर भी अपना क्लीन कर दे रही हूँ,
बिस्तर साफ जब करने के बाद फिर टाइम मिलेगा तो फिर मैं थोड़ा सा आराम करके फिर किचन में चले जाऊँगी, किचन में काम करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का खाना पीना तो वैसे भी 11:30-12 बजे तक होते रहता है, तो उतना कोई हड़बड़ी नहीं रहता है कि नहीं मुझे 8 बजे ही खाना बनाना है, 7:30 बजे ही खाना बनाना है। मेरा आदत है गरम गरम खाना बनाकर संग संग खाना खा लेने का। तो बस मेरा ये आज का रूटीन नहीं है, जब से मैं आई हूँ शादी करके तब से मेरा यही रूटीन है, तो बस मैं यही रूटीन फॉलो करती हैं। पहले खाना बना के नहीं रख देती कि शाम को खाना बना लिए फिर काम होते रहेगा। तो अभी घड़ी में आप देख रहे हैं कि 9:30 बज रहा है, और ये मेरा और मेरे हस्बैंड का फोटो लगा हुआ है, इधर रूम पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस देखिए आप लोग वॉइस ओवर करने में कुछ भी गलती होता है या कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि अभी नई हूँ तो थोड़ा सा तो गड़बड़ होता है, तो अभी सीखते सीखते तो टाइम लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करें और मुझे सहयोग करें मेरे काम को और मेरे वीडियो को सहयोग करें, ताकि आगे जो अभी गलती मैं कर रही हूँ सीख भी रही हूँ, गलती से ही सीख रही हूँ, ताकि आगे मेरे से कोई गलती ना हो। तो मेरा उधर रोटी बन चुका था, इधर आलू बॉयल करके रखी थी तो आलू भी छिल ली, इधर प्याज भी छील रही हूँ, रोटी भी हो रहा है, तीन तीन काम एक साथ कर रही हूँ। ये सब काम आधा घंटा में ही मेरा शेष हो जाएगा, उसके बाद मैं कपड़ी बोल रही हूँ फिर मैं कपड़ा चेंज करके गैस का अपने किचन का साफ सफाई करके कपड़ा चेंज करके उसके बाद मैं पूजा का बर्तन धो लूँगी, तो मेरा खींचा क्या बोलते हैं नाइट ड्यूटी मेरा पूरा शेष हो जाएगा। फिर वो आएंगे, हम दोनों खाना पीना खाएंगे, टीवी देखेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, बोलने में तो सच में बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है मुझे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। इधर किचन का पूरा काम शेष होने के बाद मैं थोड़ा सा झाड़ू भी मार दे रही हूँ, ये तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है काम करते करते, तो झाड़ू मार कर उठाऊँगी नहीं, बस उसे साइड में लगा के रख दूँगी। और फिर मैं अपना कपड़ा पलटी करके आ गई, नहीं पलटी मतलब चेंज करके आ गई, और पूजा का बर्तन धो के हटा दे रही हूँ, ताकि सुबह में थोड़ा सा हल्का हो, काम थोड़ा सा हल्का हो, क्योंकि सुबह में तो वैसे भी एक मैं ही नहीं, सभी जितनी भी हाउस वाइफ होती है सभी सुबह में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहती है, क्योंकि सुबह में बच्चा लोग को पढ़ाना, ट्यूशन भेजना, स्कूल भेजना, हस्बैंड को ड्यूटी पे भेजना, नाश्ता खाना वगैरह बहुत सारा टेंशन होता है, सिर्फ मुझे ही नहीं सभी को टेंशन होता है। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग शेष होता है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और